साहब भी मौजूद है, मैं उनका उज्जैन की ओर से, आपकी ओर से, सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे उपमुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे पीडब्ल्यू मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी राज्य मंत्री श्रीमती डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब आगंतुक अतिथिगण, इस नगरी के सभी विकास के परिचायक भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज त्रिकालदर्शी बाबा महाकाल के आंगन में हम सब के लिए तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई, दोनों आनंद हमारे बीच बरस रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा, ऐसी पुण्य सलीला छिपरा के किनारे स्थापित ये नगरी अवंतिका, जिसका हर युग में अस्तित्व रहा है और हर काल में अपने विकास के आयामों से सदैव लोगों की उत्कर्ष की परिचायक रही है। ऐसा कहते हैं कि यहां आकर के जो सोचता है, जैसा सोचता है, इस मृत्यु लोक में वो सब उसके जीवन में परमात्मा दे देते हैं। इसलिए उत्कर्षी नगरी, इस नगरी का नाम एक उज्जैनी भी इसीलिए है। और आज के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, जब हमारे महामहिम उज्जैन आई है तो वो केवल मंदिर या विकास के काम के लिए नहीं आई, वो हमारी शिक्षा की नगरी को भी पवित्र करने आई है, जो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा नगरी के नाते से अलंकृत एक उसका बड़ा गौरव और सम्मान है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में हमेशा पृथ्वी पर शुद्धता के नाते से काल के समय के लिए भी उज्जैनी का अपना महत्व रहा है। इसलिए काल की नगरी अर्थात महाकाल की नगरी, सबका समय नियत है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, जन्म और मृत्यु के बीच के समय में हमारे हाथ जितना शुभ हो सकता है वो पुण्य और प्रारब्ध को अपने इस जीते जी काल में मनुष्य काया से कृतार्थ करने की नगरी भी उज्जैन है। जब इस बात के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का स्मरण करना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब यहीं से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने जब से सत्ता संभाली है 2014 से लगाकर आज तक लगातार जिनके अलग अलग आयामों से हर क्षण हर काम से दुनिया के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव हासिल करने के प्रत्येक आयाम को उनने छुआ है। उसमें एक बड़ा काम सबसे ज्यादा विकास के सभी क्षेत्रों में करते करते जो उन्होंने एक सफाई मित्रों के माध्यम से स्वच्छता का हम सबको जो संदेश दिया है, ये वाकई भूतो न भविष्यति। स्वच्छता के लिए जो माननीय मोदी जी का आग्रह है और दुनिया के अंदर अब दुनिया देख रही है भारत को, जिनने अपने उस अभियान के लिए और स्वच्छता मित्रों, सफाई कर्मियों, उनका तो वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से लगा करके 1 अक्टूबर तक ये जो लगातार पखवाड़ा मनने वाला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उस भावना को भी रेखांकित करता है और हमारे सफाई कर्मियों की बड़ी भूमिका को भी हमको एहसास कराता है। हमारे सभी स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, हमारे भाई, बीमारी और जिंदगी दोनों के बीच जो मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं, ऐसे सभी सफाई कर्मियों मित्रों को प्रणाम करता हूं, उनकी भूमिका को नमस्कार करता हूं। अपने जीवन को इस समूची स्वच्छता के अभियान में पुष्प की तरह जीवन भर चढ़ाने का संकल्प लेकर के जीते जी देवताओं की श्रेणी में आते हैं। देवता वो होते हैं जो सदैव देने के लिए लालायित होते हैं और लालायित होने के भाव में उनकी मन की निर्मलता, निर्लिप्तता, उनका पवित्र भाव, इसी भूमिका में हमारे स्वच्छता कर्मी आते हैं,
जिनके जीवन में सबके लिए सुख आनंद वैभव, स्वयं के लिए कष्ट, ये उनके मन का संकल्प है। ऐसे में उनकी भूमिका छोटी नहीं होती है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह स्वच्छता का अभियान चलाया और लगातार चलाते चलाते हमारी भारत के अंदर की उन लंबी परंपरा को स्थापित किया जो वैदिक सभ्यता के काल से मनसा का वाचा कर्मणा की तरफ एहसास कराती है। मन से, वचन से, कर्म से हमारी निर्मलता, स्वच्छता की परमात्मा ने भी कामना की और आशीर्वाद दिया है। आज के इस अवसर पर सरकार के माध्यम से मैं सभी स्वच्छता कर्मियों को बधाई देना चाहूंगा। माननीय महामहिम को बताना चाहूंगा, हमने अपनी सरकार में एक गौरव पाया है यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का। हमारा अपना मध्य प्रदेश देश के सभी प्रदेशों में दूसरे नंबर पर आया है, हमारा सबका सौभाग्य राज्य के नाते से, और आपके आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे हम नंबर एक का स्थान भी हासिल करें। लेकिन एक और जानकारी भी देना चाहूंगा, दुनिया की सबसे, भारत की सबसे स्वच्छ राजधानियों में से अगर किसी ने, राज्य ने अपना स्थान या गौरव हासिल किया है वो भी मध्य प्रदेश है, जो अपनी भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल को यह दर्जा मिला है। और एक और बड़ी बात, स्वच्छता से हमारा इतना मजबूत रिश्ता है, भारत की सबसे स्वच्छ नगरियों में से भी 7 बार से मध्य प्रदेश ने इस गौरव को इंदौर के माध्यम से हासिल किया है। यह भी हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है, यह हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जब हमारा अपना राज्य दूसरे नंबर पर, हमारी राजधानी पहले नंबर पर, हमारी नगरी जो 7 स्टार के क्रम में सबसे पहले नंबर पर लगातार 7 बार से आ रही है, तब हमने निर्णय किया है कि ऐसे में हमारा ये स्वच्छता के अभियान को जो ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे प्रथम कर्मी के योद्धा हैं उनके लिए भी सरकार के माध्यम से इस दिशा में ध्यान आकर्षित किया जाए। तो हमने निर्णय किया है प्रत्येक नगरी की जो रेटिंग माननीय प्रधानमंत्री के पैरामीटर्स में तय हुई वो 1 नंबर से लगा करके 7 नंबर तक की सभी नगरियों के कर्मियों के लिए जो 1 स्टार में आएंगे उन सभी कर्मियों को 1000 प्रति सुरक्षा स्वच्छता कर्मी उसको हम पुरस्कार देने वाले हैं। जो 2 नंबर की रेटिंग में आएंगे वो सभी को 2000 रुपया प्रति हमारे स्वच्छता कर्मियों को लाभ देंगे। और मध्य प्रदेश में उज्जैन 3रे नंबर की रेटिंग में आता है तो यहाँ के प्रत्येक स्वच्छता कर्मियों को 3000 रुपये की हमने अपनी ये राशि भेंट करने का निर्णय किया है, जिसके बलबूते पर हमारे हजारों स्वच्छता कर्मियों को आज आपकी मौजूदगी में ये अवार्ड दिया जाएगा। आज के साथ एक और बड़ा काम हमने यहाँ किया है, हमने मध्य प्रदेश की इस नगरी में बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में पाषाण की पत्थर की प्रतिमा नहीं बनती थी और बड़े पैमाने पे धार्मिक नगरी में दूर दूर से लोग आते हैं, तो हमने निर्णय किया कि बाबा महाकाल की प्रतिमा महालोक में बनने वाली जो FRB की थी उनको पाषाण की पत्थर की बनवाएंगे और यहाँ पे पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। इसी नाते से हमने अपने इस उज्जैन में आज आपकी मौजूदगी से पत्थर शिल्प का भी काम प्रारंभ किया। भविष्य की दृष्टि से यहाँ राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी उस गौरव को हासिल करेगा जिनके माध्यम से पत्थर शिल्प को भी प्रोत्साहन देंगे। आप जब महामहिम नीचे से आ रही थी हमारे अपने पुष्पों के आधार पर भी पुष्प जो बाबा महाकाल के मंदिर पे चढ़ाए जाते हैं या बाकी अन्य स्थानों पे जो चढ़ाते हैं ऐसे में वो पुष्प बाद में किसी के पैर में नहीं आए, भावनाओं का अपमान नहीं हो और पुष्प की हमारी वापस दोबारा रिसाइकल में क्या उपयोग हो सकता है। माननीय महामहिम से बहुत हमने प्रेम से आग्रह किया और उन्हें सबको प्रोत्साहन भी दिया, पुष्पों से अगरबत्ती बनाना, पुष्प से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाना, ये भी उनने देखा है और हम बाकी के सारे मंदिरों पे ये क्रम जारी करने वाले हैं जिसके माध्यम से पुष्पों का भी बेहतर उपयोग हो सके। ये काम करते करते एक और बड़ा काम आज आपकी मौजूदगी में हो रहा है। हमारे लिए मध्य प्रदेश में आर्थिक राजधानी के नाते से इंदौर का अपना महत्व है और ये नगरी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है।
ऐसे में महारानी अहिल्याबाई को भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए तत्समय की शासिका जिनके शासनकाल के लिए आज भी लोग नाम लेते रोमांचित हो जाते हैं, उत्साह उमंग धार्मिक श्रद्धा अंदर से आदर की भावना निकलती, जिनके अपने 30 साल के शासनकाल में उनने जीवन के सब क्षेत्रों में एक हमारी वीरांगना किस प्रकार से शासन की सुव्यवस्था स्थापित करती है इसका रिकॉर्ड उनने बनाया। नारियों की सेना बनाना, नारियों को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा विवाह से लेकर नारी कल्याण की सारी योजनाओं को चलाना, कुशलता के साथ अपने दुश्मनों से निपटना, शासन की व्यवस्था के साथ बहनों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए माहेश्वरी साड़ी का वस्त्र उद्योग उनने प्रारंभ किया। ऐसे में इंदौर से उज्जैन को जोड़ने के लिए 6 लेन की ये नई सड़क बनाने का निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आपके करकमलों से होने वाला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। 1630 करोड़ की लागत से आज की नवीन सड़क का आपके माध्यम से एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसके माध्यम से न केवल इंदौर उज्जैन, अब हमारा अपना मालवा और मध्य प्रदेश बाबा महाकाल के कारण से, उधर आर्थिक राजधानी होने के कारण से केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, अब पूरे देश से, और देश तो क्या दुनिया से लोग उज्जैन आते हैं। ऐसे में आने जाने के लिए ये 6 लेन विकास का नया कीर्तिमान बनाएगी, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और इस नाते से आपको धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं, जिसके कारण से आपके आने मात्र से ये बड़ी सौगात उज्जैन और इंदौर के बंधुओं को मिलने वाली है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विविध कामों के साथ आपका आशीर्वाद सदैव हमको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। मैं आपके लिए पुनः मध्यप्रदेश सरकार की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए महाकाल महाराज की। मोहन यादव को आप सुन रहे थे, और देखिए उज्जैन इंदौर 6 लेन का भूमि पूजन। इस बीच द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं उज्जैन में, और इससे पहले इंदौर में भी द्रौपदी मुर्मू थी, एक दिन पहले ही वो आई थी इंदौर। हालांकि एक दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगी, लेकिन उससे पहले आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये कई मायनों में खास है, और इसी क्रम में स्वच्छता कर्मियों का सम्मान भी यहाँ किया जाएगा। जो कि रोड स्वीपिंग का कार्य करती हैं और कार्य पर नियमित रूप से निर्धारित यूनिफॉर्म में आप उपस्थित रहती हैं। तालियों के साथ हमारी सफाई मित्र श्रीमती रश्मि टांकले का हम स्वागत करें, और इसी क्रम में हमारे साथ श्रीमती रश्मि टांकले माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के शुभ कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। श्रीमती किरण खोड़े को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि वार्ड क्रमांक 14 के कमरी मार्ग क्षेत्र में रोड स्विमिंग का आप कार्य करती हैं। इनके द्वारा सफाई व्यवस्था निरंतर बनाई रखती हैं आप, और नागरिकों को जागरूक भी करती हैं स्वच्छता के प्रति। इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं श्रीमती शोभा बाई को मंच पर। आप शेर चौराहा से नरसिंह घाट क्षेत्र में रोड स्वीपिंग का कार्य करती हैं। कार्य में कभी भी लापरवाही आप नहीं बरतती हैं, और पूर्व में भी आपको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं श्रीमती अनीता बाई को मंच पर। आप मजदूर चौराहे से पाटीदार ब्रिज शहीद पार्क क्षेत्र में रोड स्वीपिंग का कार्य करती हैं। नियमित रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहती हैं, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करती हैं। इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं श्री गोपाल खरे को। गोपाल खरे अलकधाम गोवर्धन धाम में चैम्बर लाइन खोलने का कार्य करते हैं, पूरी तत्परता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ आपके द्वारा कार्य किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं का केंद्र उज्जैन और औद्योगिक नगरी एवं व्यावसायिक नगरी इंदौर को सड़क क्रांति से जोड़ने के लिए आज उज्जैन इंदौर 6 लेन सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक लघु फिल्म।
मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसकी पावन भूमि पर लाखों श्रद्धालु हर साल नतमस्तक होने आते हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। स्टेट हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मार्गों, सेतु बंधन योजना अंतर्गत फ्लाईओवर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं मेडिकल कॉलेज जैसी कई परियोजनाओं का निर्माण करने वाले मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने 2004 में गठित होने के बाद से अब तक लगभग 21,000 किलोमीटर के मार्गों एवं राज्य राजमार्गों का उन्नयन एवं निर्माण किया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम समन्वयक की भूमिका निभा रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण हो जाने के साथ ही इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के कारण इंदौर उज्जैन मार्ग पर यातायात में अत्यधिक वृद्धि होने की वजह से इंदौर उज्जैन फोर लेन मार्ग को 6 लेन विद पेव्ड शोल्डर में परिवर्तित करना जरूरी हो गया था। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधारित 6 लेन विद पेव्ड शोल्डर कार्य के लिए ₹1,692 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका शिलान्यास आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इंदौर से उज्जैन 6 लेन परियोजना में कुल 2 बृहद पुल, 2 फ्लाईओवर एवं 6 व्हील कूलर अंडरपास, ट्रक एवं बस ले बाय सहित इंदौर उज्जैन के शहरी क्षेत्र में दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण कार्य सम्मिलित है। उज्जैन में आने वाले भक्तों की यात्रा को और सुगम एवं सरल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जा रही 5,017 करोड़ की लागत से 102 किलोमीटर लंबी उज्जैन से जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिसकी सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे से होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उज्जैन गरोठ, देवास उज्जैन बड़नगर बदनावर और उज्जैन से झालावाड़ जैसे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे जैसी वृहद परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर से उज्जैन 6 लेन परियोजना के पूर्ण हो जाने से इंदौर शहर एवं एयरपोर्ट से महाकाल की पावन नगरी उज्जैन और ओंकारेश्वर जैसे तीर्थों तक श्रद्धालुओं का आवागमन निर्बाध रूप से सुगम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, क्षेत्र का पर्यटन एवं आर्थिक सामाजिक विकास होगा, यात्रा के समय में बचत होगी, स्वच्छ हरित एवं तेज परिवहन से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। आग्रह करना चाहेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 1692 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन इंदौर 6 लेन सड़क निर्माण कार्य की शिला पट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी। विनम्र निवेदन है माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से उद्बोधन के लिए, जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया से मुक्त बनाने के लिए संपूर्ण प्रदेश में जागरूकता उत्पन्न की है। निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय जी से उद्बोधन के लिए। जय महाकाल। सफाई मित्र सम्मेलन इस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, उपस्थित सफाई मित्रगण, महानुभाव भाइयों और बहनों, अधिकारी मित्रों, मीडिया के मित्रों, माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नगरी उज्जैन में
आपके आगमन पर प्रदेशवासियों की ओर से आपका मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि आध्यात्मिक केंद्र उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन देश में स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं पवित्र सेवा होने का संदेश प्रसारित करेगा। स्वच्छता अभियान की यह पहल सफाई मित्रों की प्रतिबद्धता के साथ स्वस्थ स्वच्छ और आध्यात्मिक रूप से सशक्त देश का निर्माण का संदेश प्रसारित करेगी। भारतीय गणतंत्र के शीर्ष का समाज की स्वच्छता और स्वास्थ्य की कर्णधारों के साथ संवाद का ये अभूतपूर्व गर्व और गौरव का ऐतिहासिक प्रसंग है। अपनी मेहनत और समर्पण से शहरों को साफ बनाकर हमारे जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने वाले सफाई मित्रों का पहचानना, उनका समर्थ और सम्मान करना समाज के हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। सम्मानित सफाई मित्रों का हृदय से बधाई देते हुए कहूंगा कि आपका काम ईश्वर की पवित्र सेवा है। आप सभी हमारे लिए वंदनीय है, हम आपके आभारी हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, प्रदेश के विकास और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण इंदौर उज्जैन सिक्स लेन परियोजना की स्वागत के लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र उज्जैन आने वाले श्रद्धालु की यात्रा और अधिक सुगम आसान बनाकर यह परियोजना क्षेत्र के पर्यटन सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को तेज करेगी। इस परियोजना के शिलान्यास और सफाई मित्रों का सम्मानित कर स्वच्छता के महत्व को बढ़ाने के प्रयासों में आपने अपना संरक्षण प्रदान किया, उसके लिए प्रदेश के जन जन की ओर से आपका कोटि कोटि आभार ज्ञापित करता हूं। देश में सफाई मित्रों का सम्मानित करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा। एक बार फिर आप सभी की स्वच्छता वीरों की बधाई और शुभकामना देते हुए और राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी। और अब स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, जिनके जीवन से हम संपूर्ण भारतवासियों को प्रेरणा प्राप्त होती है, जिन्होंने निज प्रयासों से एक समृद्ध और सफल व्यक्तित्व का स्वयं निर्माण किया है। ऐसी हमारी भारत की प्रथम नागरिक और हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र आग्रह है आशीर्वचनों के लिए। आइए आपकी करतल ध्वनि के बीच निवेदन करें माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित आज के सफाई मित्र सम्मेलन में उपस्थित होकर मैं बहुत खुश हूँ। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री गौतम टेटवाल जी और श्रीमती प्रतिभा बागरी जी, गणमान्य अतिथियों, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, श्री महाकालेश्वर की दैवी ज्योति से प्रकाशित तथा पावन शिप्रा नदी के आशीर्वाद से सिंचित इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अवंतिका कहा जाता था। पवित्र
दिव्य ज्योति छिरा स्वतम में प्रार्थना की ज्योति के अवंतिकायं विहितावतारम वंदे महाकाल महासुरेशम अर्थात अवंतिका में अवतार लेने वाले देवाधिदेव महाकाल की हम वंदन करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैनी में सदियों से स्वीकृति संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी रही है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में उज्जैनी अव्यक्ति राज्य की राजधानी हुआ करते थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय उज्जैन भारत का सबसे महापूर्व नगर था। देवियों और स्वजनों, आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस जो परियोजना के लिए के मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्षों पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं कि जैसे देवलोक में अलकापुरी है उसी तरह मनुष्य लोक में उज्जैनी है। किसी भी शब्दों का लगातार दो बार प्रयोग करने से वो बचते थे, लेकिन उज्जैनी का वर्णन करते समय वो विशाल विशाल का प्रयोग किए थे। देवियों और स्वजन, मुझे ये बात की प्रसन्नता है कि उज्जैन में आधुनिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विक्रम उद्योगपुर का विकास इसका उदाहरण है। इस उद्योगीपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की गई है। राज्य में अनेक एक्सप्रेस वे तथा एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को विकसित किया जा रहा है। इन प्रयासों की सफलता हेतु मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने जनसेवा की अपनी यात्रा स्वच्छता के कार्य से ही शुरू की थी। मैं अपने गृहनगरी नोटिफाइड एरिया काउंसिल की उपाध्यक्ष थी। मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण करती थी तथा सफाई मित्रों एवं अन्य लोगों के साथ परामर्श करती थी। सफाई से जुड़े अच्छे बदलाव को देखकर खुशी महसूस होता था। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालय तथा लगभग 2.25 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की सुरक्षित रखने के लिए इस जन आंदोलन की विशेष भूमिका है। विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करने के लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके साक्षरता और शिक्षा में इसीलिए वृद्धि हुई है। एक प्रतिष्ठित आकलन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में बच्चों की मृत्यु दर भी कमी आई है। ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य के से जुड़े सालाना खर्च में औसतम 50,000 रुपया की कमी आई है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंदौर ने लगातार 7 बार देश का स्वच्छतम शहर बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भोपाल को सबसे अच्छे राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुई है। राज्यों के अनेक शहर वाटर प्लस और ओडीएफ
डबल प्लस की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अन्य कई उपलब्धियां हैं, मैंने कुछ ही का यहाँ उल्लेख किया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और राज्यों के सभी निवासियों की सराहना करती हूँ तथा उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय का सबसे अधिक श्रेय हमारे सफाई मित्रों को जाता है। हमारे सफाई मित्रों अग्रिम पंक्ति के स्वच्छता योद्धा है। वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीमारी से, गंदगी से, स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से वो बचाते हैं। मैं हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सफाई मित्रों का सम्मान करके वास्तव में हम अपना ही गौरव बढ़ाने हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं प्रत्येक सफाई मित्रों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी सफाई मित्रों के साथ इस सम्मेलन में भागीदारी करके मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। मेल हॉल को समाप्त करके मेसिन हॉल के जरिए सफाई करने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उनके हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में अनेक शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। देवियों और स्वजनों, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के दौरान जो वर्ष 2025 तक चलेगा, हमें संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य पूरा करना है। खुले में शौच से मुक्त रहने की स्थिति को बनाए रखते हुए सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्राप्त करना होगा। आगामी गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करने का अभियान प्रगति पर है। स्वच्छता ही सेवा की भावना के साथ केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के पारस्परिक सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे देशवासी गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करने का संकल्प ले रही है। मुझे आशा है कि गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार तथा इस अभियान के तहत श्रमदान करने हेतु सभी नागरिकों आगे आना चाहिए। ऐसा करके हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता से जुड़े आदर्शों को कार्य रूप देख पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता की ओर बढ़ावा गया हमारे एक कदम पूरे देश को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़े। इसी संकल्प के साथ मैं आशा करती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति स्वच्छता ही देश को स्वस्थ बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आगे बढ़े और देश को स्वच्छ बनाए और स्वस्थ बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कोटि कोटि आभार, धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए। सभी से आग्रह है, कृपया अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे उज्जैन से, जहां पर आपने सुना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिन्होंने स्वच्छता को लेकर जिस तरीके से काम किए गए हैं और जो पूरा रोड मैप अपनाया गया इसको लेकर उन्होंने काफ़ी सराहना की है और इसमें आम लोगों की भी उन्होंने सराहना की है। उज्जैन, इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क निर्माण का भूमि पूजन हो रहा है और इस खास मौके पर किस तरीके से व्यवस्था की जानी है स्वच्छता को लेकर, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जिस
था उस दिन से शुरुआत हुआ स्वच्छता पखवाड़ा और इस पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। उज्जैन में इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जिनका बहुत स्वागत किया गया है। आपने देखा राज्यपाल वंगू भाई पटेल भी मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने भी सभी को संबोधित किया और तकरीबन 1692 करोड़ की लागत से इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क का निर्माण का भूमि पूजन हुआ है और इस भूमि पूजन के साथ ही साथ राष्ट्रपति कुछ और भी कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं जहां पर उज्जैन पहुंची और यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ कुछ और भी अन्य कार्यक्रम हैं जिनमें वे अभी शामिल होने वाली हैं। और चलिए अब देखेंगे कुछ और अहम खबरें, बात करेंगे भोपाल में खाद्य विभाग का शुद्धता अभियान जारी है। जेके रोड पर एक जगह पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और इस दौरान निजी रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग ने छापा मारा जहां पर निरीक्षण के दौरान मिली गंदगी और खराब खाना और इस दौरान गंदगी के बीच में खाना बनाया जा रहा था। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं भोपाल के एक रेस्टोरेंट से जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं इस छापेमार कार्रवाई के दौरान? देखिए, जिस तरीके से कल फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई हुई है, एक निजी रेस्टोरेंट है इस पर यह कार्रवाई की गई जिसके रोड स्थित पर। यहाँ पर यह देखने में आया जो किचन थी उसमें बहुत ज्यादा गंदगी थी और उस गंदगी के माहौल में ही जो है वो खाना बनाया जा रहा था। इसके साथ ही जो खाद्य सामग्री थी उसको भी गंदगी के बीच रखा गया था। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो प्याज की बात हो या अन्य जो खाद्य सामग्री थी जो ग्राहकों के खाने में उपयोग की जाती थी उसको गंदगी में रखा हुआ था और उसी गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था। और यही कारण है कि खाद्य विभाग की टीम ने उस पर छापामार कार्रवाई की। कुछ शिकायतें जो है वो लगातार खाद्य विभाग को मिल रही थी। उसके बाद उस रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई फूड डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिली है कि न केवल जुर्माने, अभी तक कई बार ये देखने में आता है कि जो जुर्माने की राशि कर दी जाती थी और उनको निर्देश दिए जाते थे कि आगे से स्वच्छता का ख्याल रखें, लेकिन इस मामले में बेहद गंदगी मिलने के चलते उनका फूड लाइसेंस निरस्त कर दिया है। तो देखिए, लगातार जो है वो फूड डिपार्टमेंट अलग अलग इलाकों में लगातार कार्रवाइयां कर रहा है और इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम। शैलेंद्र, खाद्य विभाग का शुद्धता अभियान चल रहा है और हम ये देख पा रहे हैं कि लगातार ऐसी कार्रवाई हो रही है जहां पर गंदगी के बीच में खाना बनाया जाता है, लोगों को परोसा जाता है और इस दौरान कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। कई दफा ये देखा है, सुना है हमने कि जब लोग बाहर खाना खाने जाते हैं और उनके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि ये जब छापेमार कार्रवाई होती है तभी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। हर रोड पर, गली चौराहे पर तमाम रेस्टोरेंट मौजूद हैं और कई बार अक्सर ये देखा जाता है कि साफ सफाई को लेकर ज्यादा सजग नहीं है, कुछ गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फूड डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस होती है, जब आपको लाइसेंस दिया जाता है फूड का, तमाम तरह की जो गाइडलाइन है वो उसका आपको पालन करना होता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन के इलाके हो, इन इलाकों में हमने देखा है कि जो फूड के स्टॉल जो लगे रहते हैं उसमें काफी गंदगी का माहौल रहता है और यही कारण है कि पिछले दिनों राजधानी भोपाल के 6 नंबर चौपाटी पर भी फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई हुई थी और उस दौरान भी देखने को मिला था कि जो वहां पर स्टॉल लगाए गए थे उसके आसपास काफी गंदगी थी और गंदगी के बीच में ही खाने को बनाया जा रहा था या दूसरे जो फास्ट फूड है उनको तैयार किया जा रहा था। उसके बाद वहां पर भी कई जो स्टॉल है उन पर छापेमार कार्रवाई के बाद उन पर जुर्माना किया गया था, उनको निर्देश भी दिए गए थे कि नियमों का पालन करें और नियमों का पालन न करने पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। छिंदवाड़ा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। हवाई पट्टी पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आतंकी कहना बीजेपी की बड़ी भूल है। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में कहा है कि बीजेपी प्रैक्टिकल बातें नहीं करती है। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी को लेकर लगातार सियासत हो रही है। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर डायरेक्ट हमलावर हो रही है और राहुल गांधी तब से बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं जब से उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर प्रमुख एक समुदाय को घेरने की कोशिश की थी अपने बयानों के चलते और उसके बाद से लगातार राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर। हालांकि जैसे जैसे बयान सामने आ रहे हैं उसका काउंटर भी किया जा रहा है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हो, चाहे वो कमलनाथ की तरफ से हो। और छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने राहुल गांधी को दिए गए बयान को लेकर कहा है कि बीजेपी की बड़ी भूल हो गई है।
सकती है। जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। सर वन नेशन वन इलेक्शन का भी मामला ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको। इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा देने की मांग की गई है। राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के बयान का हवाला दिया है और बीजेपी नेताओं से राहुल गांधी की जान को खतरा भी बताया। लिखा गया है कि माननीय राहुल गांधी जी जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में उनके सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा उनकी जबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आतंकी हैं, जबकि राहुल गांधी के परिवार ने इस आतंकी घटना को इतना सहन कराया है, स्वयं राहुल गांधी जी ने भी इतनी आतंकी घटना को सहन कराया, आज उनकी सुरक्षा सिर्फ झेड प्लस है। तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि उनकी सुरक्षा तत्काल एसपीजी करके करी जाए। नक्सली हमले के पीड़ितों का दल राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचा है। दल में कई ऐसे पीड़ित हैं जो हिंसा के दौरान घायल होकर दिव्यांग हो चुके हैं। इस दल में कुल 55 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति से मुलाकात कर बस्तर की समस्याओं के बारे में बताएंगे। तो देखिए नक्सली हिंसा के पीड़ित अब दिल्ली पहुंचे हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दल में 55 सदस्य शामिल हैं जो कि विमान से दिल्ली पहुंचे हुए हैं और अपने छोटे मासूम बच्चों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, जो कि बस्तर में किस तरीके से हिंसा होती है, क्या क्या समस्याएं होती हैं, तमाम चीजों से अवगत उन्हें कराया जाएगा। आम जनता की समस्या से रूबरू होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम होगा। हर गुरुवार को होने वाले इस जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर सीएम के पास आते हैं। लोगों की समस्या के समाधान के लिए सीएम साय अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो सीएम साय लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आम जनता की समस्या से रूबरू होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन कार्यक्रम होगा। हर गुरुवार को होने वाले इस जन दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर सीएम के पास आते हैं। मुख्यमंत्री निवास में आज फिर जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हर गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन यहां पर होता है और उस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आमजन से सीधे रूबरू होते हैं और आमजन अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं और सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके सामने अपनी समस्याएं जो है वो रखते हैं। और ठीक इसी तरह से सीएम हाउस के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए आज भी सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सीएम साय से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों में खासा उत्साह है क्योंकि आज वो छत्तीसगढ़ के मुखिया से मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी समस्याएं जो है वो रखेंगे। कोई सुबह 5 बजे से यहां पहुंचा हुआ है तो कोई सुबह 6 बजे से यहां पर पहुंचा हुआ है। लंबी कतारें यहां पर लोगों की लगी हुई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के हर संभाग से लोग यहां पर जनदर्शन कार्यक्रम में जो है पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन की समस्याएं जो है वो सुनते हैं और इसके साथ ही उनके साथ में सभी विभाग के अधिकारी और अफसर जो है वो मौजूद रहते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए आमजन को अपनी समस्याओं के लिए एक एप्लीकेशन लेकर आना होता है। इसके साथ ही जो कुछ भी उनकी समस्याएं हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो यहां पर पहुंचते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो अंदर जाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इसी के साथ इस बुलेटिन